भाई साहब जो लाल रंग की पोशाक में बैठे, हाँ जी आपका नाम जी? हाँ बोलो तिवारी भाई, आप नारायण दत्त तिवारी के परिवार से बिलोंग करते हैं? ताली बजा दें प्लीज इनके लिए। आप काली फिर हल्की बजाते हैं, क्या कानपुर वाली काली बजाइए। बताइए तिवारी भाई, कहते क्या होता है? दैट्स द प्रॉब्लम, कहीं पर निगाहें यहां है तब तो पता लगेगा। ध्यान तो ये पीयूष भाई का लेक्चर जल्दी पूरा हो तो हम जाके घर में अपना काम करें, फलाना करें, ये करें, दैट इज द प्रॉब्लम। तिवारी भाई बच्चों को आप क्या बोलते हैं बार बार? बच्चे मन लगा के पढ़ो, हाँ जी ना जी, क्या बोलते हैं बच्चों को? बच्चे मन लगा के पढ़ो, बच्चे बुद्धि लगा के पढ़ो। आज आप अपने आप से पूछिए मेरा मन कहाँ है, बताइए आपका मन कहाँ है? कहाँ है मन? मन यहां नहीं है, दैट इज द प्रॉब्लम। ठीक है, तो हमें क्या करना है? मन को यहां पर लगाइए, बुद्धि से यहां बैठिए अटेंशन में, तब आपको बातें समझ में आएंगी और तब आप स्ट्रेस फ्री हो सकेंगे। बना तो क्या होगा, बना तो क्या होगा? आए, सुना, चले गए, लेकिन कोई फर्क नहीं लगा। क्यों? क्योंकि जो बातें यहां बताई जा रही हैं उनको धारण करने की शक्ति, उनको रिटेन करने की शक्ति, उनको ग्रहण करने की शक्ति हार्डवेयर में नहीं है। वो शक्ति कहाँ है? वो शक्ति कहाँ है सुरेश भाई? थोड़ा मुस्कुरा के बोलिए प्लीज। वो शक्ति कहाँ है? और सॉफ्टवेयर हमारी यहां है नहीं, फिर क्या होगा? फिर तो मुश्किल होगी ना, इसलिए सॉफ्टवेयर भी यहां रहनी चाहिए। देखो आप सब मंदिर जाते हैं, हाँ जी या ना जी? मंदिर में जाके क्या करते हैं? मंदिर में जाकर क्या करते हैं बताइए? कहते हैं मुख भगवान का नाम बोलता है और मन दुनिया में डोलता है, हाँ जी या ना जी? हाँ जी या ना जी? और शांति किसको चाहिए, तन को या मन को? तो मन तो वहां है नहीं, फिर कहां से शांति मिलेगी? आप सारी जिंदगी मंदिर जाइए। ठीक है, तो आज हमें यहां तन और मन दोनों से बैठना है। क्या करना है आज हमें, क्या करना है? तन से तो आप यहां हैं, लेकिन मन आपका कहीं कहीं भाग रहा है। इसलिए गीता में बार बार, अगर आपने गीता पढ़ी हो, मैंने बहुत गीता पढ़ी है, तो गीता में बार 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 एक ही बात आती है। परमात्मा अर्जुन को एक ही बात कहते हैं, अर्जुन मन मना भव। क्या बोलते हैं तिवारी जी? बड़े गंभीर हो गए हैं, आउट ऑफ सिलेबस, थैंक गॉड। अर्जुन को क्या बताया गया भाइयों बहनों? मन मनाभव, मन को मुझ में लगाइए, क्योंकि मन जो है वो अशांत हो गया है, मन जो है बेचैन हो गया है, मन बेआराम हो गया है, और इसके कारण सारी बीमारियां आज मेडिकल साइंस कहती है 90% से ज्यादा रोग मनोकायिक हैं। मनोकायिक माने, माने पहले बीमारी कहां आई? पहले बीमारी आपके मन में आई, फिर बीमारी आपके तन में आई। तो आज से मैं क्या करना है, अगर मेरा मन ठीक हो जाए तो फिर तन भी ठीक हो गए। ठीक है, तो आज हमें अपने मन को ठीक करना है, राइट? मन को ठीक कैसे करेंगे बताइए? हमारी तीन शक्तियां बैठी हैं, मुस्कुराती नहीं है, बड़ी गंभीर हो गई है। मन को ठीक कैसे करेंगे बहन जी बताइए? आपका नाम जी? शिप्रा। बोलिए, दिल्ली में एक बहुत बड़ी शिप्रा मॉल है, आप उसकी मालकिन तो नहीं है? ताली बजा दे प्लीज इनके लिए। आप ताली फिर हल्की बजाते हैं, कानपुर वाली ताली बजाइए। हाँ जी बोलिए शिप्रा जी, मुस्कुरा के बोलेंगे तो राइट आंसर दे सकती हैं। क्या सवाल पूछा? सोच चेंज करना। कैसे करेंगी चेंज? आउट ऑफ सिलेबस नहीं। नेक्स्ट बहन जी आप बताइए आपका नाम? नहीं आपसे पूछ रहा हूं जो बीच में बैठी है। अच्छा कुछ नहीं बोलेंगे, नाराज है मुझसे? मैं आपसे मिलने दिल्ली से आया हूं और आप कहते हैं मैं बोलूंगी नहीं। हाँ जी आप बोलिए बहन जी, आपका नाम? पॉजिटिव थिंकिंग। आपका नाम बताइए? नितिका कपूर। हाँ जी नितिका जी, क्या करेंगे? पॉजिटिव थिंकिंग। सारी दुनिया नेगेटिव सोच रही है, आप कैसे पॉजिटिव सोच लेंगे? अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट कर। ओ, परमात्मा से कनेक्शन होता है जी? होता है। कैसे?
आउट ऑफ सिलेबस बोलते नहीं मेडिटेशन से. मेडिटेशन क्या है? योग. योग क्या है? उसका साथ. उसका साथ माने किसका साथ? परमात्मा. कहाँ है वो? हाँ बोलिए, आप ठीक बोल रहे हैं. परमधाम. और आप कहाँ हैं? मैं जाती हूँ उसके पास. आप जाती हैं या जाना चाहती हैं? जाती हूँ. ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई बोले? हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने मन को दुरुस्त करना पड़ेगा. किसको ठीक करना है? हमें किसको ठीक करना है? अपने मन को ठीक करना है. और मन को ठीक करने की विधि क्या है? मन को ठीक करने की विधि क्या है? मन को स्ट्रेंथन कैसे करें? मन को एम्पावर कैसे करें? मन को एनलाइटन कैसे करें? मन को एनरिच कैसे करेंगे? जैसे आप शरीर को खाना खिलाते हैं, शरीर को सुलाते हैं, शरीर को विश्राम दिलाते हैं, शरीर ठीक रहता है. मैं दिल्ली से आया, मैंने भोजन किया, मैं आधा घंटे थोड़ा सो गया, अभी अब मैं फ्रेश हूं, अभी शरीर फ्रेश हो गया. ऐसे ही मन को कैसे फ्रेश करेंगे? मन ताजा कैसे होगा? कबू सब आउट ऑफ सिलेबस. आउट ऑफ सिलेबस कहते हैं, आउट ऑफ सिलेबस. सुरेश जी, आउट ऑफ सिलेबस. आउट ऑफ सिलेबस, ये देखिए गड़बड़ी हो रही है. भाई साहब, आप कुछ उसको बोलिए ना जी, हाथ जोड़ के कहते आप ही बोलिए. थैंक यू वेरी मच. कैसे करेंगे बताइए? सेंस है, आप मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, शायद कोई राज है जो दिल में छिपा रहे हैं. प्लीज आप बताइए आपका नाम. बताइए सब. पीछे और एक सिंह साहब बैठे हैं. हाँ जी भाई साहब बोलिए. जो छुपेंगे ना, मैं उनसे सबसे पहले सवाल पूछता हूँ. हाँ बोलिए, कुछ तो बोलिए, मुक्त खोलिए. कुछ बोलते नहीं आज, मौन है कि कानपुर के लोग सभी. क्या सवाल पूछा? क्या प्रश्न पूछा भाइयों बहनों? देखो प्रश्न ही बता. तिवारी भाई, आपका नाम मुझे याद हो गया है जी, आपसे पूछा ही नहीं, आप अनुशासन तोड़ रहे हैं. ये गड़बड़ी नहीं करनी है. तिवारी जी बोलिए, मन को ठीक कैसे करेंगे बताइए प्लीज. देखो प्रॉब्लम, मन को ठीक कैसे करेंगे? हाँ सर जी, यस पास अचान. आपसे तो पूछा ही नहीं, नंबर आ गया. अनुशासन तोड़ रहे हैं आप. सर बोलिए. सरदार पटेल के बंसल हम लोग. ओके, वल्लभ भाई पटेल के बंसल. वेरी गुड, बताइए. अपनी सुबह से शाम की जो दिनचर्या है, ओके, जो 24 आवर हमको दिए भगवान ने, दिए हुए परमात्मा ने 24 घंटे दिए हैं जी, उस 24 घंटे का दशांश जी अगर हम अपने शरीर में, मन में, तन में, सिस्टम में लगा देंगे, तो ये जो आपका ए वर्कशॉप ऑफ द स्ट्रेस फ्री लाइफ, ये 99% ओके हो जाए. ओके वेरी गुड, ताली बजाएंगे लिए बहुत जोरदार. ओके, इसके लिए हमको अपना भोजन की व्यवस्था, क्या खाना है, क्या ही हुआ, कितने टाइम उठना है, कितना योगा करना है, कौन से योग करना है, शाम को नींद 8 घंटे की पूरी करनी है, दिन में काम कब क्या करना है, कब कहाँ करना है, इसके लिए डायरी मेंटेन करना पड़ेगा. वेरी गुड, उस डायरी के लिए. तो अब हमें समझ में आया कि जैसे हम अपने शरीर को ठीक रखने के लिए भोजन करते हैं, विश्राम करते हैं, स्नान करते हैं, ऐसे ही अब हमें अपने मन को भी ठीक रखना है. और भाइयों बहनों, मन को ठीक रखने की विधि क्या है? मन को ठीक रखने की विधि, हाँ जी, आप अनुलोम विलोम 20 मिनट नॉन स्टॉप कर लीजिए, 99% मन आपका ठीक हो जाएगा. ओके, वास्तव में अनुलोम विलोम से मन ठीक नहीं होता है, उससे तन ठीक होता है. ओके, मैं आपकी बात पर आ रहा हूं. हमारा मन कैसे ठीक होगा? मन को ठीक करने की एक ही विधि है कि हमारा मन पॉजिटिव सोचना शुरू कर दे.